गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ असम ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर एजुकेशन BTC कोकराझर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज के डेट में, जिसमें बताया जा रहा NIS DLED नॉट एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी टीचर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन UP and LP, ओके, यानी अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी, द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन, दे आर एज फॉलो। यानी जो लोग अपर प्राइमरी या प्राइमरी के लिए जो एलिजिबल है, उन लोगों का मेरिट लिस्ट अब तक की प्रिपेयर हो गया है, बट अगर वो लोग NIS DLED से बिलोंग करते हैं तो वो लोग इस वैकेंसी के लिए या इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है, DLED फ्रॉम NIS कैंडिडेट ऑप्टेन द DLED डिग्री फ्रॉम NIS आर नॉट कंसिडर्ड, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस शुड बी मैच विद द लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है, आउटसाइड स्टेट HS डिग्री DLED फ्रॉम ODL आउटसाइड स्टेट आर नॉट कंसिडर्ड, ओके, ये असम गवर्नमेंट का ये रूल्स है। BEd फ्रॉम द आउटसाइड या BEd डिग्री फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्टेट आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। Rectifications in case of any dispensies that can be rectified। इन सब के अलावा कोई अगर कुछ करेक्ट करने का हो तो वो हो सकता है, बट जो लोग आउटसाइड से HS या DLED या BEd किए हुए हैं वो लोग एप्लीकेबल नहीं है, और ख़ासकर जो लोग NIS से DLED हैं वो लोग एप्लीकेबल नहीं है। यही रूल अब तक के बंगाल में और तमाम इंडिया के स्टेट्स में लागू हैं, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनल ना आ जाए।